हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडिया के स्वाद। आज हम बनाने जा रहे खाकरा, वो भी रोटी मेकर में। तो चलिए फ्रेंड्स, खाकरा बनाना शुरू करते हैं। खाकरा बनाने के लिए हमने एक बोल में लिया है 250 ग्राम्स गेहूं का आटा, जिसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून नमक और 2 टीस्पून साबुत जीरा। फिर हम इसमें डालेंगे 4 बड़ा चम्मच गरम गाय का घी या देसी घी जिसे कहते हैं। अब हम इस फ्रेंड्स, आप इसमें ठंडा घी मत डालिएगा। अब हम सब इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और चेक करेंगे कि जो हमने घी इसमें डाला है वो परफेक्ट है कि नहीं क्वांटिटी। तो हमने सब इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लिया है और हम क्या करेंगे, मुट्ठी की मदद से आटे से ऐसे गोला बनाने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं कि गोला बन रहा है, इसका मतलब है कि घी जो है इसमें बिल्कुल ही परफेक्ट है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और आटे को टाइट गूंथेंगे। हमें इस आटे को नरम नहीं गूंथना है, कढ़ाई की पूरी से भी थोड़ा ज़्यादा ही हमें इसे सख्त गूंथना है, क्योंकि नरम आटे से खाकरे हमारे बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे। तो आप देख सकते हैं, हमने थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटे को सख्त गूंथ लिया है। अब हम इसे सारे चारों से इकट्ठा करके उसे एक लिड की मदद से आधे घंटे के लिए इसे सेट होने के लिए रख देंगे। तो आप आधे घंटे बाद में आप देख सकते हैं कि आटा जो है वो सेट हो चुका है। अब हम इस आटे को अच्छे से फिर से मथेंगे और इसे एक इक्वल कंसिस्टेंसी, इक्वल टेक्सचर पे लाके हम इसे रखेंगे। तो हम क्या करेंगे, इस आटे को हम 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे और फिर इसके हम लोए बनाना शुरू करेंगे, ताकि हमें फिर और इजी हो इसे और अधिक मथने में। तो हमने इसे गोले बनाना शुरू कर दिया है, हम मथते मथते ही इसे गोले बनाएंगे। तो मैंने सारे आटे के गोले बना के हमने रख दिए हैं। अब हम एक गोला लेंगे और सूखे आटे की मदद से इसे पतला सा बेलेंगे। हम जो फुल्का बेलते हैं उससे भी हमें पतला बेलना है, और हमें ध्यान रखना है कि हम कॉर्नर से भी उसे बेले, कॉर्नर से मोटा ना रहने दे। तो मैंने इसे अच्छे से बेल लिया है चारों तरफ से। तो जब तक हम इसे बेल रहे हैं, मैंने यहाँ पे रोटी मेकर ले लिया है, जिसे हमने प्री हीट कर दिया है 5 मिनट के लिए। इसे प्री हीट होना बहुत ज़रूरी है। तो अभी हमारा रोटी मेकर जो है वो गर्म हो चुका है। अब हम इसमें हमारा बेली हुई रोटी हम इसे डालेंगे, जिसका हम खाकरा बनाएंगे। तो आपको इसमें हल्के हाथ से ही इसे लिड को बंद करना है, 15 सेकंड के लिए सेकना है। तो 15 सेकंड हो चुके हैं, हम दूसरे तरफ भी इसे 10 से 15 सेकंड के लिए हम इसे सेकेंगे। 15 सेकंड फिर से हो चुके हैं दोस्तों, हम इसे पलट देंगे और हमारे पूरे हाथ का प्रेशर लगा के हम इसे दबा के सेकेंगे। फ्रेंड्स, आपको इसे पहले नहीं दबाना है, वरना हमारा खाकरा फट जाएगा। तो हमारा इस साइड से खाकरा सिक चुका है, देंगे और 10 से 15 सेकंड के लिए फिर से इसे अच्छे से प्रेशर देके इसे सेकेंगे। तो आप देखेंगे कि हमारा खाकरा क्या बढ़िया सिक के बाहर आया है, और हम इसे एक स्टैंड पे रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो मैंने 250 ग्राम्स आटे से 30 खाकरे बन जाते हैं, जिसे मैंने एक स्टैंड पे रख दिया है ताकि ये ठंडे हो जाए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।